सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमेडेक्स। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है एग्जाम प्रैक्सिस के को फाउंडर एंड सीईओ अभिषेक अग्निहोत्री सर। तो सर वेलकम है आपके मेरे चैनल पे। तो इनके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ कि देखिए, इन्होंने जो है सो IIT BHU से पास आउट हैं, यानी कि BTEC इन्होंने IIT BHU से किए हैं। और इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में, जिस भी आप इंस्टीट्यूट को जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस भी इंस्टीट्यूट को आप जानते होंगे कोटा में, जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है उनमें लगभग इन्होंने 15+ सालों से नीट और JEE की बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने का काम किया है। और बहुत सारे टॉप जो रैंकर्स होते हैं इनके मेंटरशिप में टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में इन तक बने रहिएगा, और वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली उन सारे बच्चों के लिए जो नीट और JEE के एस्पिरेंट हैं, जो 2025 में एग्जाम देने वाले नीट JEE की, या फिर 2026 में देने वाले, या फिर वो आगे के लिए प्रिपरेशन करने वाले होंगे, उन सारों के लिए जैसे ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में पूरी इन तक बने रहिएगा। कब शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी मैंने जो सर से थोड़ा सा टाइम लिया था कि, तो चलिए हम जो है वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पिछले करीब 15 साल से कोटा में नीट और JEE एस्पिरेंट्स को फिजिक्स पढ़ा रहा था। मुझे मतलब एक बात लगी कि देखिए, नीट और JEE की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। तो ठीक है, तैयारी कीजिए, लेकिन अपना प्लान भी जरूर रेडी करिए, क्योंकि इस प्रकार के हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा ही कोई ना कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है। कभी पेपर टफ आ जाएगा, कभी पेपर का पैटर्न चेंज हो जाएगा, कभी कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, कभी हो सकता है, जैसा कि बिल्कुल जैसा कि इस बार हुआ कि मतलब 615 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 650 मार्क्स पे जो है गवर्नमेंट का कॉलेज मिलना मुश्किल है, 650 के आसपास है, है ना। तो अब इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहेगा, पेपर का मुश्किल आ जाना, कट ऑफ ऊपर चला जाना, या ये भी हो सकता है कि आपका ही कुछ हो जाए, कि तबीयत खराब हो जाए एग्जाम देने से पहले। तो इस टाइप के हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमेशा रहता है। तो आपके पास एक अपना बैकअप प्लान जरूर तैयार होना चाहिए कि भाई अगर ये चीज नहीं चली तो हमारी ये चीज चल रही है। तो वो प्लान भी जरूर 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 बच्चों को रखना चाहिए अपने पास। मतलब कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे को कभी कभी कुछ बच्चे मिल जाते हैं कि सर मैंने 4 साल लगा दिए नीट की तैयारी में या इंजीनियरिंग के, खैर ठीक है अब तो अटेम्प्ट लिमिटेड हो गए कि मैंने इतना समय लगा दिया और अभी भी मैं 12th पास हूँ। तो वो स्टेज नहीं होने चाहिए। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, करिए, कहीं ना कहीं ज्वाइन जरूर कीजिए। एक फॉर्मल एजुकेशन भी जरूरी होती है कि यहाँ नहीं तो पता चला अपना BSc हो गया, BSc अच्छे सब्जेक्ट से कर लिया तो फिर आगे पढ़ने लगे, वो बहुत जरूरी है। प्लान भी आपका जरूर रेडी होना चाहिए। कोई इसमें कुछ भी बोले और कितना भी मोटिवेट करे, नहीं उसका नहीं, उसका चौथे नहीं पांचवें में हो गया, तो हो सकता है आपका पांचवें में भी ना हो, तब क्या होगा, तब तो फिर आप 12वीं पास हो ना फिर से। तो इस प्रकार के एग्जाम में आपका प्लान भी जरूर प्लान भी रेडी होना चाहिए, और तभी आप ठंडे दिमाग से एग्जाम दे भी सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप फिर एग्जाम में जाके घबरा जाएंगे कि अरे मेरे तो 3 अटेम्प्ट हो गए, मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट चल रहा है और इसमें भी नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आपकी परफॉर्मेंस और डाउन हो जाएगी। तो प्लान भी हमेशा रेडी रखिए, ठीक है। मतलब ड्रीम करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सपनों को ही अपना मालिक बना ले। वी शुड नॉट मेक ड्रीम्स अवर मास्टर। सपने देखिए, लेकिन सपनों को अपना मालिक मत बनाइए। बस यही एक गाइडेंस है जो कि मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को फॉलो करना चाहिए। देखो सर, जो बताए मोटिवेशन खुद से आती है कि हाँ हमें इस चीज को करना है, ठीक है। लेकिन सर एक गाइडेंस में एक चीज इन्होंने इम्पोर्टेंट बताया कि आपके पास में प्लान बी जरूर होना चाहिए, यानी कि लाइफ में अगर आप सक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास में एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। जो भी बच्चे नीट की तैयारी करने आते हैं, ठीक है, वो जो है सो नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आए, मोस्टली बच्चे जो है सो 12th ड्रॉपर ही आते हैं नीट की तैयारी करने के लिए कोटा जैसे शहर में, तो वो लोग के पास में क्या रहता है कि मैं तो नीट की तैयारी करने आ गया, 6 महीने इधर उधर किया, उसके बाद जो है अचानक से याद आता है अरे मेरे को पढ़ना भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप हाईली फोकस होकर तो पढ़ाई कीजिए, साथ में आप जो है सो एक प्लान बी जरूर लेकर के चलिए अपने 12th के एग्जाम के साथ में कि हाँ मेरे को ये भी नहीं हुआ तो मैं ये मेरे पास में पड़ा हुआ है। सर ने जो बताया कि आप एग्जाम देने जाते हो, आपको हाईली बर्डन फील होगा जब आपके पास में कोई भी प्लान बी नहीं रहेगा, लेकिन आपके पास में अगर एक चीज़ रहेगी ना तो ये रहेगा कि हाँ हमारे पास में ये चीज़ तो है, दूसरी चीज़ पाने में जा रहा हूँ, ये नहीं रहेगा कि इसी को पाना ही है। यस, तो आपके पास में प्लान बी जरूर होना चाहिए। प्लान बी होना चाहिए और मतलब वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप ठंडे दिमाग से मतलब पेपर को बर्डन फ्री होकर, हाँ, नहीं तो फिर आप एग्जाम में जाके घबरा जाएंगे। तो चलिए हम आगे की वीडियोज में और भी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें लेकर के आऊंगा, और सर के साथ आगे जो है सो नीट 2025 की तैयारी कैसे करना है अभी से या जो भी है उस पर भी बहुत सारी वीडियोज आपको देखने के लिए आगे मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। ओके, बाय बाय।
हूँ।